एक्टिव केस कम है। उत्तर प्रदेश के अंदर 30 अप्रैल 2021 को 3,10,000 एक्टिव केस थे, आज प्रातः 10 मई को जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है इसमें 2,25,000 एक्टिव केस वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर है। फर्स्ट वेव का मुकाबला उत्तर प्रदेश ने बेहतर तरीके से किया था और उसके बेहतर परिणाम भी सामने आए थे। सेकेंड वेव में भी उत्तर प्रदेश उसी प्रबंधन के साथ काम कर रही है। आप याद करिए जब पिछली बार मैं यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को कोविड हॉस्पिटल के रूप में, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में उद्घाटन करने के लिए आया था, उस समय बहुत सारे लोग ये कहते थे कि साहब इतने पेशेंट नहीं, इतने बेड का ये हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता क्या। ये 500 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हम लोगों ने उस समय यहाँ पर बनाया था और बीच में तो ये भी बात आने लग गई कि साहब इसको बंद कर देना चाहिए, तो हम लोगों ने कहा नहीं, बंद नहीं करना है। देश के अंदर, अन्य राज्यों में और दुनिया के तमाम अन्य देशों में जो स्थिति है उसको देखते हुए हमें इसको आगे बढ़ाना होगा। आपने देखा होगा गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों लोगों के जीवन को बचाने में इस डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल ने, हमारे यहाँ के चिकित्सकों ने, हेल्थ वर्कर्स ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। ऐसे ही प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में भी स्थिति है, इसको लेकर के बहुत उसके साथ ये कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आशंका थी, देश और दुनिया के तमाम एक्सपर्ट इस बात को कहते थे कि उत्तर प्रदेश में 5 से 10 मई के बीच में 1,00,000 केस पर डे आएंगे, लेकिन टेस्ट एंड ट्रीट के जिस एग्रेसिव अभियान को लेकर के हम लोग चले, उस अभियान का परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर 21,000 पॉजिटिव केस आए हैं, कल 23,000 थे। ये लगातार इसमें गिरावट है, एक डिक्लाइन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। यानी हमारा जो कोरोना के खिलाफ रणनीति है वह सफलता के साथ आगे बढ़ रही है और इसीलिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कोरोना कर्फ्यू के साथ निगरानी समितियों और आरआरटी को एक विशेष अभियान के साथ जोड़ा है। हर ग्राम पंचायत में एक निगरानी समिति स्क्रीनिंग का काम करे, जिन लोगों को जो लक्षण युक्त हैं या संदिग्ध हैं उनको वहां पे मेडिकल किट उपलब्ध करवाएं और आरआरटी को तत्काल सूचना दें, आरआरटी जाकर के उनका एंटीजन टेस्ट कर लें। एंटीजन टेस्ट के साथ ही वहां पर व्यवस्था देख लेना कि अगर उस परिवार के पास, उस व्यक्ति के पास अपने घर में होम आइसोलेशन की सुविधा है, उसे होम आइसोलेट करने, जिसमें सेपरेट रूम सेपरेट टॉयलेट है तो होम आइसोलेट की व्यवस्था वहां पर करना, नहीं तो गांव में ही एक क्वारंटीन सेंटर बना करके उन्हें गांव में निगरानी समिति की देखरेख में उनकी वहां पर रहने खाने की सारी सुविधा देना, डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन हो, इन चीजों को लेकर के निरंतर एक अभियान चल रहा है। और इस अभियान में जितनी जल्दी हम हर पेशेंट को दवा उपलब्ध करवा दें उतना ही मृत्यु दर कम होगा। और ये अभियान इसी रूप में प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ किया है, 1 सप्ताह तक ये अभियान चलेगा। दूसरा जो आशंका व्यक्त की गई है, यानी इसके लिए तो टेस्ट की व्यवस्था, आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला प्रदेश है, प्रतिदिन 2,25,000 से लेकर के
2.5 लाख तक के टेस्ट प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। जहां पे पॉजिटिविटी ज्यादा है वहां पे टेस्ट बढ़ाने के लिए उन जनपदों से लगातार कहा जा रहा है। फर्स्ट वेव जब आई थी तो फर्स्ट वेव में हमारे पास जो सबसे अधिक केस आए थे वो आए थे 68,000, एक्टिव केस 68,000 तक थे और एक दिन में केस आने की संख्या थी वह थी 7,500। लेकिन सेकेंड वेव कितनी तीव्र है आप इसी से अनुमान कर सकते हैं कि हमारे पास एक दिन में जो केस सर्वाधिक केस आए थे 24 अप्रैल को आए थे वो केस थे 38,055 और 30 अप्रैल तक पहुंचते एक पीक पर था, तब हमारे पास एक्टिव केस थे प्रदेश में 3,10,000। यानी कई गुना 67,000 की 68,000 की तुलना में अगर आप देखेंगे तो ये कई गुना ज्यादा है। ऐसे ही 7,000 की तुलना में आप 38,000 को देखेंगे तो ये 5 गुना से ज्यादा आ जाता है। ये जो स्पीड है इसी में इतने ही तेजी के साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति की भी मांग हुई। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, भारत सरकार के, कि पहली बार देश के अंदर ऑक्सीजन के लिए वायुसेना के विमानों का उपयोग किया गया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली है। हम राज्य के अंदर जब प्रदेश के अंदर कोविड की फर्स्ट वेव थी तब हमारी ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रदेश के अंदर, उसमें राज्य सरकार को कुछ भी नहीं करना होता था। मेडिकल कॉलेज का ऑक्सीजन प्लांट के साथ अपने एग्रीमेंट होते थे, उस एग्रीमेंट के अनुसार ऑक्सीजन मिलता था, या फिर जंबो सिलेंडर से, या उन्होंने एयर सेपरेटर यूनिट लगाए थे उसके माध्यम से उनका काम चलता था। लेकिन अचानक ऑक्सीजन की डिमांड प्रारंभ हुई। फर्स्ट वेव में 300-350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत उत्तर प्रदेश में थी और कल हम लोगों ने 1000 मीट्रिक टन से ज्यादा की ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रदेश में की है, जिसमें हम लोगों ने वायुसेना के विमानों का उपयोग करते हुए यहां से खाली टैंकर भेजे, वहां से ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन हॉस्पिटल और मेडिकल संस्थान में हर एक जनपद में पहुंचाने का कार्य किया। यहां पर गोरखपुर में भी गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से भी और ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से भी यहां पर आपूर्ति करने की व्यवस्था की गई है। गोरखपुर में चूंकि यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य सेवा का एक प्रमुख केंद्र है, उत्तर और पश्चिम बिहार की भी एक बड़ी आबादी गोरखपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आती है, उसको ध्यान में रखते हुए अब तक यहां पे जितने बेड्स थे उनको और सुविधायुक्त बनाने के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के साथ ही यहां पे बेड्स की संख्या बढ़ाने के लिए वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं। और अभी मैं एम्स में जा रहा हूं, एम्स में बोइंग के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनी है उसके माध्यम से सीएसआर की मद से 200 बेड का एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल वेंटिलेटर युक्त वहां पर उपलब्ध किया जा रहा है। उसमें वे मैन पावर उपलब्ध कराएंगे, साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी उन्हें उपलब्ध कराएगी ऑक्सीजन की आपूर्ति। स्टेट गवर्नमेंट उनको वहां पर उपलब्ध कराएगी फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिक सेफ्टी और सिक्योरिटी की व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट उसमें करवाएगी। इन सभी कार्यों के साथ इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ जो हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है वह है प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी और देश के अंदर दुनिया के अंदर भी वह सुरक्षा कवच हमें वैक्सीन दे सकता है। देश के वैज्ञानिकों का हम अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2 स्वदेशी वैक्सीन देश को दी हैं और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक वैक्सीनेशन में 1,40,00,000 के आसपास लोगों को हम लोग वैक्सीन दे चुके हैं, जिसमें
एक करोड़ 38 लाख से ज्यादा 45 प्लस से जुड़े हुए लोग हैं और 1 लाख से ज्यादा हम लोगों ने अब तक 18 प्लस लोगों को, 18 से 44 के बीच के लोगों को भी वैक्सीन दिया है। आज से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर वैक्सीन के कार्यक्रम को और तेजी की है। 4000 से अधिक सेंटर में हमारे 45 प्लस से जुड़े हुए लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। 18 प्लस के लिए, 18 से 44 के बीच की आयु वर्ग के लोगों के लिए आज 11 जनपद के 200 से अधिक केंद्रों में वैक्सीन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। ये वैक्सीन सुरक्षा कवच हर एक व्यक्ति को दे सकता है और ये वैक्सीन हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव के निःशुल्क उपलब्ध कराने का कार्य 18 से 44 के बीच में प्रदेश सरकार और 45 प्लस के लिए भारत सरकार के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध हो रही है और इसको हम निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को। आपके माध्यम से मेरी जनता से अपील है कि ये महामारी है, ये महामारी को हम सामान्य फ्लू समझने की भूल न करें। बचाव ही बीमारी में सर्वोत्तम उपाय है और बचाव के लिए हम लोगों को एक कोरोना के जो प्रोटोकॉल तय किए गए हैं, हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वे अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, वे घर में रहें, घर में भी मास्क का इस्तेमाल करें, जिसमें 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से कम के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कम इम्यूनिटी के लोग, एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित लोग, वे सभी लोग इसमें पूरी सतर्कता बरतें। एक एक व्यक्ति का जीवन कीमती है, किसी भी स्तर पर लापरवाही ना हो। दूसरा, अगर किसी को बाहर निकलना ही है, जो सामान्य लोग हैं, तो वे लोग भी मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, कोई चीज का लेन देन कर रहे हैं ग्लव्स जरूर पहने। इसके अलावा अनावश्यक भीड़ न लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें। अगर इन सभी नियमों का पालन करते हुए हर व्यक्ति शासन के द्वारा निर्धारित नियमों के साथ जुड़ता है तो न केवल स्वयं को सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि समाज को भी वह सुरक्षा प्रदान करने में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। और मेरी अपील होगी कि यह समय लापरवाही का कतई नहीं है, किसी भी स्तर पर नहीं है। आज मैं इसीलिए गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी की समीक्षा बैठक के माध्यम से मैंने यहाँ पर प्रशासन को भी जो आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए अलग अलग स्तर पर